सर मैं क्लास 5 हाउ आर यू आई होप यू फाइन होम टुडे वी रीड लेसन 2 सेंटेंसेस। मैंने इस सेंटेंसेस के बारे में बहुत कुछ जो है आपको ऑलरेडी बोर्ड पर समझा दिया होगा। इस पार्ट में हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। एक तो मैं दोबारा बता दूँ, सेंटेंसेस क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, उस सेंटेंस और कौन कौन से वर्ड से जो सेंटेंस बनते हैं मैंने आपको बताया था। वैसे भी नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह है मैरी एट आ चॉकलेट, मैरी ने चॉकलेट खाई, तो मैरी क्या है, सब्जेक्ट है, चॉकलेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। ठीक है, अब हम इसमें इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एज यू यानी ये मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट्स बताते हैं कि किस पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस इज मैरी, इसमें बताया हुआ ऑब्जेक्ट एज यू हु और व्हाट इज हैविंग समथिंग डन टू इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बताते हैं कि क्या चीज़ जो है, कौन और क्या चीज़ जो है जो डन हुई है। तो चॉकलेट वॉज बींग ईटन बाय मैरी, क्या चीज़ डन हुई है, जो चॉकलेट है वो मैरी से खाई गई है। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दी गई हैं। द बॉय रोड हॉर्स। ठीक है, द बॉय है सब्जेक्ट है, अब क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, हॉर्स पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। द गर्ल रीड्स अ बुक, तो गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाली, और वो किस पर काम कर रही है, बुक पर काम कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस अंडरस्टैंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस एंड राइट द लेटर एस फॉर सब्जेक्ट एंड लेटर ओ फॉर ऑब्जेक्ट अंडर देम इन योर नोटबुक। आपने नोटबुक में नहीं करना, आप लोगों ने यहीं पे सॉल्व करना है। इसमें वो बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है आपने अंडरलाइन करके ऊपर एस लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट है अंडरलाइन करके ऊपर ऑब्जेक्ट लिखना, बहुत ईजी है। द बर्ड्स ले एग्स, प्रिंस। अब इसमें काम करने वाले कौन है, सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स हैं। ठीक है, हमने अंडरलाइन लगाया, ऊपर एस लिख दिया, और क्या किया है, उसने अंडे दिए हैं, तो एग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द मंकी इज ईटिंग बनानास, मंकी क्या है, सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला, और उन्होंने किस चीज़ पर काम किया है, बनानास खाए, यानी बनाना जिस पर चीज़ पर काम हुआ है, बनाना पर काम हुआ, क्या काम हुआ है, ईटिंग हुआ है, तो एस क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मंकी, और ऑब्जेक्ट क्या है, बनानास। द डॉग इज ईटिंग मीट, डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, मीट क्या है, ऑब्जेक्ट है। द टाइगर किल द वुमेन, टाइगर सब्जेक्ट एंड वुमेन इज ऑब्जेक्ट। मैंडी इज ड्राइविंग अ कार, मैंडी जो है कार ड्राइव कर रही है, तो मैंडी क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या जिस किस चीज़ पर काम हो रहा है, कार पर। ठीक है, कार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, शी मैंने आपको बताया था। ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट, और वाटर ऑब्जेक्ट। रॉजर इज इलिंग द बाइक, रॉजर क्या है, सब्जेक्ट, और बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती है, तो क्लास अच्छे से करनी है, बहुत ईजी है। हमारा नेक्स्ट पेज है प्रैक्टिस। कॉपी द सेंटेंसेज या नोटबुक, कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय राइटिंग सब्जेक्ट इन ईच। ठीक है, आप लोगों ने इसी पे सॉल्व करना है, हमने इसके सब्जेक्ट्स लिखने हैं। डैश कॉट द थीफ, कौन जो है थीफ, चोर कौन पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, तो हमने पुलिस लिख दिया। सेकंड देखें, डैश ब्रोक द ग्लास, अशरफ को भी आप नाउन लिख सकते हैं, आमना, अशरफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डैश बॉट अ कार, ही बॉट अ कार। ठीक है, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, या आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड में देखें, अहमद किल्ड अ स्नेक, आई वोर अ यूनिफॉर्म, शी रोट अ बुक। ओके क्लास, ये तो हमारा आपका जो वीडियो है कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके क्लास 5, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।